हेलो नमस्कार मेरे शेर सैनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पांच मिनट की श्रृंखला में दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड 2021 हर पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए आगाज करते हैं दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड 2021 में पहली बात तो कब दिए गए, 25 अप्रैल 2021 को दिए गए। कौन से नंबर के हैं दोस्तों, 93 नंबर के ये ऑस्कर अवार्ड है। इन्हीं का दूसरा नाम है अकेडमी अवार्ड और दोस्तों अमेरिका के लॉस एंजल्स में इनको दिया जाता है। पहला ऑस्कर अवार्ड 1929 में दिया गया। आइए बात करते हैं दोस्तों 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैड लैंड को दिया गया। इसके दोस्तों डायरेक्टर कौन है, तो इसकी डायरेक्टर है क्लोए झाओ। कौन है दोस्तों, क्लोए झाओ इसकी डायरेक्टर है। नोमैड लैंड का मतलब है दोस्तों खाना बदोश। क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं। अमेरिका में जब आर्थिक तंगी आई थी दोस्तों उस समय की कहानी इसके अंदर प्रस्तुत है। इसमें दोस्तों जो एक्ट्रेस है जो आपको चेयर पर बैठी हुई दिख रही है इनका नाम है फ्रांसिस मैकडोरमैंड। इन्हें ही दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये दो मायने में अति महत्वपूर्ण है। एंथनी हॉपकिंस, क्या नाम है इनका, नाम है दोस्तों एंथनी हॉपकिंस और ये आपके सामने है। फिल्म का नाम ध्यान रखना द फादर। कौन सी फिल्म है, द फादर फिल्म है और दोस्तों इनकी उम्र है मात्र 83 वर्ष। कितनी है, मात्र 83 वर्ष है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज, सबसे अधिक उम्र के दोस्तों एक्टर हैं जिनका नाम है एंथनी हॉपकिंस। अगला अवार्ड देखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों फ्रांसिस मैकडोरमैंड को नोमैडलैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, ये दोस्तों हैं नोमैडलैंड की डायरेक्टर जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, जिनका नाम है क्लोए झाओ। ध्यान रखना नोमैडलैंड की डायरेक्टर दोस्तों चीनी अमेरिकी है ये क्लोए झाओ और ये डायरेक्टर है किसकी, नोमैडलैंड। नोमैडलैंड ऑस्कर में तीन दोस्तों अवार्ड जीते हैं इसने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। इसके बाद दोस्तों बात करो कतई जहर तथ्य है, एंथनी हॉपकिंस बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्र दराज एक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थिति की बात करूं दोस्तों तो एक फिल्म थी द व्हाइट टाइगर, आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा, जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी मेरे दोस्तों, साथ में आदर्श गौरव थे और साथ में राजकुमार राव थे। फिल्म का नाम था द व्हाइट टाइगर। ये दोस्तों एक बुक है अरविंद अडिगा की व्हाइट टाइगर, उसके ऊपर ही फिल्म बनाई गई। इसे नॉमिनेशन मिला दोस्तों बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में। लेकिन ये दोस्तों अवार्ड किसने जीता, ये अवार्ड जीता द फादर ने। किसने जीता, द फादर ने। लेकिन नॉमिनेशन दोस्तों द व्हाइट टाइगर को भी दिया गया, जिसके डायरेक्टर है रमीन बहरानी। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में इंडिया के नॉमिनेशन जो सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है कि भारत की तरफ से 93 फिल्म में दोस्तों ऑफिशियली एंट्री किसकी होती है, तो ध्यान रखना बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में दोस्तों जल्लीकट्टू फिल्म की ऑफिशियली एंट्री भारत की तरफ से होती है। एक जल्लीकट्टू आपने दोस्तों पोंगल त्योहार पर पढ़ा था तमिलनाडु में, ये दोस्तों मलयालम की फिल्म है। कैसी है, मलयालम भाषा की फिल्म है, जिसके डायरेक्टर कौन है, जिसके डायरेक्टर है लीजो जोस। कौन है, लीजो जोस इसके डायरेक्टर है, मलयालम फिल्म है। भारत की तरफ से दोस्तों ऑफिशियली एंट्री इसको मिली थी किस कैटेगरी में, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों ये बाहर हो गई। फिर जीता किसने, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा जीता किसने, तो आपके सामने है अनोदर राउंड। इस फिल्म ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता। ये दोस्तों डेनमार्क, डेनिश फिल्म है। क्या है, डेनमार्क की डेनिश फिल्म है
अनोदर राउंड, इसने दोस्तों ये अवार्ड जीता। इसके अलावा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में भारत की तरफ से दोस्तों बिट्टू फिल्म भी गई थी। कौन सी? जो बिट्टू फिल्म है, भारत की तरफ से लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में टॉप 10 तक दोस्तों पहुंची है। कौन सी? बिट्टू फिल्म, एकता कपूर के द्वारा दोस्तों निर्देशित है। इसमें दो बच्चियां उनकी दोस्तों जो दोस्ती है उसके बारे में बताया गया है। दोनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने क्या है, सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म कौन सी है? वो है दोस्तों नो मैडलैंड। 3 तरह के ऑस्कर जीते हैं, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट फिल्म का और दोस्तों आपके सामने बेस्ट डायरेक्टर का। सन 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकिन फिनिक्स को मिला था जोकर फिल्म के लिए। दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रैनी जुबलीगर को जूडी फिल्म के लिए और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों पैरासाइट साउथ कोरिया की फिल्म थी। इसके बाद में ध्यान रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास कैसी लगी 5 मिनट में, जो मैंने ऑस्कर 2021 के 10-12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके सामने रख दिए। मुझे उम्मीद है 2-3 बार सुबह दूध के साथ, शाम को दूध के साथ इसे दोस्तों डोज को ले लेना, ये सुपर डोज है। और तुम्हें अगर क्लास पसंद आएगी तो मेरे दोस्तों इस क्लास को मैं डेली किसी ना किसी टॉपिक से कनेक्ट करके 7 बजे दोस्तों 5 मिनट की लेकर आऊंगा। अंत में वही कहूंगा, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद।